अरविन रोमल ये वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एक्सियल फोर्सेस का कमांडर था अफ्रीकन कैंपेन में। इसका निकनेम पड़ गया था द डेजर्ट फॉक्स, क्योंकि ये अचानक से कहीं भी अटैक करता था, और कभी रात में, कभी दिन में, कभी बहुत अग्रेसिव अटैक, कभी रिट्रीट। तो बेसिकली एक लोमड़ी की तरह, कभी किसी को पता चलता नहीं था कि कहाँ अटैक करेगा। और ऐसा कहते थे लोग कि अगर इसने किसी जगह को अपना टारगेट बना लिया तो उस जगह को ये जीत ही लेगा। बहुत जबरदस्त रेपुटेशन थी अरविंद रोमल की, और इसी वजह से जो उसके ऑपोजिट साइड पे थे, उसके ऑपोजिशन जो था यानी कि एलाइड कमांडर्स, वो लोग को ऐसा लगता था कि जब तक रोमल एक्सियल फोर्सेस को लीड कर रहा है अफ्रीका में, तब तक एलाइड कमांडर्स का कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी एक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और सिर्फ एलाइड कमांडर्स ही नहीं, बल्कि पूरी एलाइड लीडरशिप, वो ये जानते थे कि या तो हरा के या किसी तरह से तो रोमल को इस सीन से हटाना है, नहीं तो वो जीत नहीं पाएंगे अफ्रीका में। और इसीलिए रोमल को रास्ते से हटाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक ऑपरेशन इन्होंने प्लान किया। इसका नाम था ऑपरेशन फ्लिपर, और इसी के बारे में ये वीडियो है। कहानी शुरू होती है साल 1941 में अफ्रीका में। इस टाइम इटालियन फोर्सेस ने जो शुरू में अटैक किया था अलाइड फोर्सेस के ऊपर इजिप्ट में, ब्रिटिश फोर्सेस ने आके पीछे उनको धकेल दिया है। और पहले तो उनको इजिप्ट से बाहर निकाला इटालियंस को, उसके बाद उनको पीछे करते 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 लिबिया में वो आ गए थे, एल अगीला तक आ गए थे ब्रिटिश फोर्सेस। और अब ऐसा लग रहा था कि यार इतनी स्ट्रांग इटालियन फोर्सेस हैं, नंबर ज्यादा थे उनके पास, फिर भी ब्रिटिश लोग इतने अच्छे से अटैक कैसे कर रहे हैं। तो इस वजह से अब हिटलर को लगा, हिटलर एक्चुअली इटली का दोस्त था, तो हिटलर को लगा कि अगर ये इटालियन यहाँ पे हार गए तो बहुत एम्बेरसमेंट होगा। और उसके अलावा उन लोग का पूरा प्लान जो था ना, हिटलर का और एक्सियल फोर्सेस का ये प्लान था कि ये लिबिया, इजिप्ट वाला जो रीजन है उसके आगे सुएस कैनल जो पड़ती है, जो इजिप्ट से लगी हुई है, उस पे पूरी तरह कब्जा चाहिए। ये हिटलर का प्लान था। सुएस कैनल एक्चुअली ब्रिटिश अंपायर की गर्दन थी। ये एक छोटी सी नहर थी जो मेडिटेरेनियन को जोड़ती थी रेड सी के साथ। और अगर इस छोटी सी नहर पे इन्होंने, छोटी सी तो नहीं एक्चुअली, बहुत बड़ी नहर है, बट इस नहर पे अगर कब्जा कर लिया एक्सियल फोर्सेस ने, तो ब्रिटिश अंपायर की जो लाइफ लाइन है वो कट जाएगी। इसी वजह से हिटलर के लिए इंपॉर्टेंट था कि वहां पे सुएस कैनल पे कब्जा हो। बट जब उन्होंने देखा कि उनके साथी इटालियंस इतना पीछे आ गए हैं लिबिया में, तो उसको लगा कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए जो ब्रिटिश फोर्सेस का जो एडवांस था बहुत स्ट्रांग लिबिया के अंदर, उसको रोकने के लिए और अच्छा डिफेंस लगाने के लिए हिटलर ने अपने एक बहुत चहीते कमांडर को अफ्रीका में भेजा। ये बात है 1941 की फरवरी की। तो एक बंदा आया अफ्रीका में, और उस बंदे की बहुत बहुत रेपुटेशन थी पहले से ही, क्योंकि उसने पोलिश कैंपेन में और फ्रेंच कैंपेन में बहुत अपना जलवा दिखाया था। उस बंदे के साथ हिटलर ने अपने 30,000 फौजी भेजे और कुछ आर्मर्ड फोर्सेस उसके साथ में भेजी। इस बंदे का नाम था अरविंद रोमल, और रोमल का नाम उस समय तक ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका था। तो ऑलरेडी जब वो आया अफ्रीका में, तो इटालियन फोर्सेस को लगा कि ठीक है, अब ये जो अफ्रीका कोर को लीड कर रहा है रोमल, ये कुछ तो करेगा। और ये जो ब्रिटिश लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं लिबिया में, उनको इतना पीछे धकेल दिया है इटालियंस को, उनको रोक पाएगा, ये सब लोग का था कि ये अच्छे से डिफेंड करेगा। बट जैसे ही रोमल वहां पे आया, उसने देखा कि यहाँ पे जो ब्रिटिश फोर्सेस ने कब्जा किया है लिबिया के इन रीजन्स पे, इनका जो जो कैप्चर उन्होंने किया है बहुत वीक फोर्सेस हैं, और अगर एक स्ट्रांग काउंटर अटैक किया जाए तो इनको पीछे धकेला जा सकता है। और फिर रोमल ने डिफेंड करने के लिए आए थे, बट उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया, और देखते ही देखते पूरा ब्रिटिश फोर्सेस को धकेलते धकेलते वो पहुंच गए कहां पे, वापस लिबिया और इजिप्ट के बॉर्डर पे। इतना पीछे धकेल दिया, और इसीलिए फिर रोमल फेमस था। बट ये जो रोमल ने पीछे धकेला था ब्रिटिश फोर्सेस को, पहले लिबिया के बाहर फिर इजिप्ट के बॉर्डर तक, इस पूरे आगे बढ़ने के दौरान रोमल ने एक कोस्टल टाउन है लिबिया में, उसका नाम था टोब्रुक, उस टाउन को कैप्चर नहीं किया रोमल ने, उसके पास बस घेराव कर दिया, सीज कर दिया और आगे बढ़ गया। अब हो ये रहा था कि रोमल ने इतनी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी लिबिया की, बट वो टोब्रुक उसके हाथ में नहीं था, इस वजह से ये कांटे की तरह गड़ रहा था रोमल को। बट फिर भी अब वहां पे एलाइड फोर्सेस हैं, बेसिकली वहां पे ऑस्ट्रेलियन फौजी थे, और वो तो एलाइड जो पूरी फोर्सेस हैं वो तो एक्चुअली इजिप्ट में थी, और यहाँ एक छोटा सा कोस्टल टाउन लिबिया में अब एलाइड कंट्रोल में था। तो एलाइड कमांडर्स ये चाहते थे कि ये वहां तक जाए टोब्रुक तक, और वो जो सीज डाली है रोमल ने उस सीज को तोड़ा जाए, और ये जो टोब्रुक में एलाइड फोर्सेज हैं उनके साथ लिंकअप किया जाए, ये उनका प्लान था। और विंस्टन चर्चिल ने तो भी सोचा था कि इसके पहले तो हम टोब्रुक को आज़ाद करेंगे, जो उसके आसपास घेराव है ब्रिटिश जर्मन फोर्सेस का, उनको हटाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और पीछे धकेलते धकेलते रोमल को एकदम पीछे कर देंगे। ये प्लान था विंस्टन चर्चिल का, वो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी उसकी,
बट जो ग्राउंड पे जो ऑशिन लेक था ब्रिटिश कमांडर, उसको पता था कि इतना इतना तो नहीं कर सकते, हमको अपनी जो उम्मीदें हैं वो ग्राउंड पे रखनी चाहिए, असलियत के नजदीक रखनी चाहिए। तो ये उन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया था, इसका नाम था ऑपरेशन क्रूसेडर। मेन मकसद था इसका टोब्रुक पे जो जर्मन सीज है उसको तोड़ने का। परंतु ऑशिनलेक और सारे ब्रिटिश कमांडर ये बात जानते थे, जब तक रोमल वहां पे है ऑपरेशन क्रूसेडर सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि हमको रोमल को किस तरह से रास्ते से हटाना है, और उन्होंने उसको किडनैपिंग या फिर असैसिनेशन का प्लान बनाया, या तो उसको वहां से कैप्चर कर लिया जाए या उसको मार दिया जाए। और इस ऑपरेशन को क्लैंडेस्टाइन रखा गया, बहुत सीक्रेट में बनाया गया, और एक कमांडो यूनिट इसके लिए तैयार की गई, ब्रिटिश कमांडो यूनिट थी वो, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लिपर। ऑपरेशन फ्लिपर का मेन ऑब्जेक्टिव जो था किल और कैप्चर रोमल, ये दरअसल कहीं भी पेपर पे लिखा नहीं गया था, ये ऑफिशियल नहीं था, बट मेन मकसद इसका यही था। उसके अलावा इसमें कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि एक अपोलोनिया में एक वायरलेस और कम्युनिकेशन सेंटर था एक्सियल फोर्सेस का, उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करना है, और बिहाइंड एनिमी लाइंस डिस्ट्रप्शन करना है कम्युनिकेशन में, और एक और हेडक्वार्टर्स थे एक्सियल फोर्सेस को, वहां पे अटैक करना है। तो तीन चार ऑब्जेक्टिव थे इस ऑपरेशन फ्लिपर में, बट मेन था रोमल को कैप्चर या किल। ऑपरेशन फ्लिपर को जो मेन बंदा जो कमांड कर रहा था उसका नाम था कर्नल रॉबर्ट लेकॉक, और उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे जो उसका डेप्यूटी ऑफिसर था उसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल जॉफ्री कीज, और यही बंदा कीज रिस्पॉन्सिबल था रोमल को मारने के लिए। ये पूरा जो ऑपरेशन था ये बहुत सीक्रेटली, बहुत चुपचाप प्लान किया गया, और इस ऑपरेशन में कुल मिला के 59 एलाइड सोल्जर्स थे, और इन सारे सोल्जर्स को दो टीम्स में डिवाइड किया गया। अलेक्जेंड्रिया से इजिप्ट से सबमरीन चली, और आगे लिबिया के पास एक हमामा के पास एक बीच था, वहां पे आके ये फोर्सेस को लैंड करने का प्लान था, और ये जहां पे जिस बीच पे लोग लैंड करने वाले थे वहां से बेडा लिटोरिया, जहां पे उनका इंटेलिजेंस बताया था उन लोगों को कि बेडा लिटोरिया में एक्चुअली रोमल है, वहां से 400 किलोमीटर दूर था ये बीच, तो बहुत दूर उन्होंने लैंडिंग की थी। पर अब जब वो 14 नवंबर साल 1941 में इनका ये इन्होंने शुरू किया अपना प्लान, मतलब वहां से चलना शुरू किया, और ये जब पहुंचे वहां पे, ये उस बीच के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मौसम बहुत खराब हो रहा है, तो आराम से ये लोग, ऐसा तो नहीं कि सबमरीन को आपके बीच पे लेके आ गए और वहां से लोग उतर जाएंगे, इतना आसान नहीं होता, वो सबमरीन कहीं पानी में रहती है और वहां से इनको आना होता है, और अगर मौसम खराब है तो लैंडिंग या तो बहुत मुश्किल हो जाती है या तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो जाती है। अब क्योंकि मौसम खराब था तो एक टीम जिसको जॉफ्री कीज लीड कर रहे थे वो तो पहुंच गई बीच पे, बट जो दूसरी टीम थी जिसको कर्नल लेकॉक लीड कर रहे थे वो टीम यहाँ पे टाइम से नहीं पहुंच पाई, और इसीलिए जब ये बीच पे पहुंचे तो इनके पास सिर्फ 59 में से 34 लोग ही बीच पे बचे थे अटैक को शुरू करने के लिए। और अटैक तो क्या, पहले उनको वहां तक पहुंचना है बेटा लोटोरिया में जहां पे रोमल का हेडक्वार्टर है, तो इनकी शुरुआत ही बहुत खराब हुई। और कहते हैं ना कि अगर आगाज अच्छा ना हो तो अंजाम अच्छा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब क्योंकि इनके पास जो फोर्स थी अटैक करने की वो अब आधी हो गई थी, तो इन्होंने सोचा कि यार सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रोमल को मारने के अलावा जो बाकी 2-3 हैं वो सारे तो नहीं कर पाएंगे, चलो सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और इनको हम कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। तो 15 से 17 नवंबर के दौरान कीज ने अपने सारे जो बंदे थे उनको लीड किया, और ये लोग रात को मार्च करते थे, पॉज करते थे, रुकते थे जब उनको लगता था कि भी आगे मार्च करेंगे तो पकड़े जाएंगे, दिन के टाइम बहुत छुप छुप के। सो ये 2-3 दिन का मार्च उन्होंने पूरा रेगिस्तान से किया छुप छुपाते हुए, ये पहुंच गए बेडा लोटोरिया में जहां पे इनको लग रहा था कि रोमल का हेडक्वार्टर है, वहां पे रोमल रहेगा। अब हम पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली उस रात को जिस दिन ये इन्होंने अटैक शुरू किया, वो रात थी 17 से 18 नवंबर की बीच की रात थी वो, और कीज अपने बंदों के साथ जब वो हेडक्वार्टर में पहुंचा वहां पे ऑब्वियसली जर्मन गार्ड्स थे, तो यहां पे इन लोग की हाथापाई शुरू हुई और कुछ जर्मन लोगों को उन्होंने मारा। और इस हाथापाई के दौरान जो इस टीम को लीड कर रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल जॉफ्री कीज, उसको गोली लग गई, और जब उसके बंदे उसको लेके बाहर आए तब तक उसकी मौत हो गई थी। अब इनकी टीम का जो लीडर है वही मर गया, जो मेन बंदा इनको लीड कर रहा था, और इन्होंने जब कुछ और वहां पे थोड़ा सैबोटाज किया, लोगों पे अटैक किया, तब इनको पता चला कि हेडक्वार्टर में रोमल है ही नहीं। इनका सारा जो मिशन था, सारा जो इनकी प्लानिंग थी, इंटेलिजेंस, ये सोच के इन्होंने किया था कि इस जगह पे अटैक करेंगे, वहां लैंड करेंगे,
वो सब गलत, क्योंकि रोमल था ही नहीं अपने हेडक्वार्टर में। अब ये जो टीम यहां पे अटैक करने आई थी, इतना रिस्की ऑपरेशन करने के लिए, इनका लीडर मर चुका है और जो ऑब्जेक्टिव का मेन बंदा था वो यहां पे है ही नहीं, तो वो कंफ्यूजन में आ गया और उन्होंने बोला अब हम तुरंत रिट्रीट करते हैं, और सब लोगों ने भागना शुरू किया वापस अपने उसी बीच पे जहां से इनको इन्होंने लैंड किया था। बचते बचाते कुछ एलाइड फौजी बीच तक पहुंचे, वहां पे कर्नल लेकॉक उनका वेट कर रहा था, बट जब तक वो वहां पहुंचे तब तक चारों तरफ से उनको या जर्मन और इटालियन फोर्सेस ने घेर लिया था। और अब लेकॉक समझ गया कि अब यहां से एक साथ हम इनको काउंटर अटैक नहीं कर सकते, इनसे हम जीत तो नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी फोर्स हमको घेरे हुए है। तो उसने अपने बंदों को ऑर्डर दे दिया कि स्कैटर, जहां ईच मैन फॉर हिमसेल्फ, अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ और बस भागो यहां से। जब ये सारी टीम कैसे कैसे भी करके स्कैटर हो गई वहां से, भाग गई, तो वहां पे जो घेराव था इटालियन और जर्मन फोर्सेस का, उन्होंने बहुत लोगों को कैप्चर कर लिया। तो अल्टीमेटली कुल मिला के यहाँ पे 34 लोगों की टीम आई थी अटैक करने के लिए, उसमें से 2 लोग तो मारे गए, 3 लोग सक्सेसफुली एस्केप कर गए और बाकी सारे लोग को कैप्चर कर लिया। और इस प्रकार ऑपरेशन फ्लिपर पूरी तरह एक डिजास्टर साबित हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रोमल को पकड़ना, उसको मारना, बट रोमल अपने हेडक्वार्टर में छोड़ो, अपने बेटल ऑटोरिया में छोड़ो, वो लिबिया में ही नहीं था, उस कंट्री में ही नहीं था उस टाइम, वो नवंबर 1 को चला गया था रोम। और ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो 17 नवंबर को, जिस दिन जिस रात को ये अटैक इन्होंने किया था, 17 नवंबर को ब्रिटिश इंटेलिजेंस को मालूम पड़ गया था कि रोमल वहां पे नहीं है और उनको इस ऑपरेशन को अबॉर्ट करना था। बट अबॉर्ट कैसे करें, उस टाइम तो इतना कम्युनिकेशन ही नहीं था, वो वहां पे लैंड किए थे, वहां से इतना दूर चल के आए थे, उनका कोई हेडक्वार्टर के साथ कीज की जो टीम है उसका कम्युनिकेशन ही नहीं था, तो उनको पता था कि वो वहां अटैक करने जा रहे हैं, वहां पे रोमल है ही नहीं, बट कुछ भी नहीं कर पाए, ये जानते हुए कि ये सारी टीम वहां पे अब जाके या तो मारी जाएगी या कैप्चर हो जाएगी, और वही हुआ अल्टीमेटली। बट चूंकि ये ऑपरेशन फ्लिपर का कहीं ऑफिशियल इस तरह से लिखा नहीं है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रोमल को मारना, इसीलिए इसमें मिली जुली राय है हिस्टोरियंस की। कुछ ऐसा मानते हैं कि ये सक्सेसफुल था क्योंकि उन्होंने जो जनरल साबोटाज किया बिहाइंड एनिमी लाइंस वो एक बहुत बड़ी बात थी, बट बहुत लोग ये मानते हैं कि रोमल को ही मेन मारने का ऑब्जेक्टिव था, वो ये सक्सेसफुल नहीं कर पाए, इसीलिए ये ऑपरेशन एक फेलियर था। जब ये सब खत्म हो गया और रोमल वापस आया वहीं पे बेडा लोटोरिया में अपने हेडक्वार्टर्स में आया, और उसको पता चला कि भाई उसको मारने का प्लान किया गया था और एक टीम आई थी अटैक करने के लिए, तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ, शॉक्ड हुआ। उसका रीजन ये था कि वो कह रहा था कि अभी हम जहां पे हैं, ये जो हेडक्वार्टर है ये फ्रंट लाइन से इतना दूर है, 400 किलोमीटर अंदर है, और रोमल की ये रेपुटेशन थी कि वो कभी भी फ्रंट लाइन से इतना दूर रहता नहीं था, वो हमेशा फ्रंट लाइन के एकदम नजदीक अपने ट्रूप्स के साथ, अपने फौजियों के साथ रहता था। तो जब उसको बताया गया कि आप पे अटैक होता है समझ के कि आप यहां पे हो, तो बहुत गुस्सा हुआ, उसको लगा कि ब्रिटिश लोगों को कैसे लग गया कि मैं इतना दूर रहूंगा, मैं हमेशा फ्रंट लाइन के पास रहता हूं, और अगर इनको प्लान करना था मुझे मारने का तो उनको वहां कहीं अटैक करना चाहिए था, पर अल्टीमेटली लिबिया में वो था ही नहीं, तो कहीं भी अटैक करते तो फेल ही होता। परंतु इस सब के बाद रोमल ने इस ऑपरेशन की तारीफ की, उसने कहा कि बहुत बहादुरी से किया गया ऑपरेशन था, और इतनी छोटी सी टीम ने आके यहाँ पे इतना हल्ला मचाया, और जितने लोगों को मारा गया था, जो 2 ब्रिटिश फौजी मारे गए थे और उसके अलावा जो जर्मन्स थे, इन जो भी लोग वहां मारे गए थे उनको फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वहां दफनाया गया, और रोमल ने अपना पर्सनल चैपलेन भेजा था कि हाँ ये पूरी सेरेमनी ढंग से होनी चाहिए। और इसी वजह से रोमल ने जो इज्जत दी अपने दुश्मनों को जो उसको मारने के लिए आए थे, उस चीज की बहुत प्रशंसा हुई, उसके दुश्मनों के खेमे में उस बात की बहुत प्रशंसा हुई, और लोगों ने कहा कि ये एक सिर्फ एक नाजी, एक विलेनस नाजी नहीं है, ये एक अच्छा मिलिट्री कमांडर है। और इसीलिए रोमल कुछ बहुत गिने चुने ऐसे लोगों में से एक था जिसको लोग ये कहते थे दैट ही वॉज अ गुड नाजी, क्योंकि नाजी इसकी रेपुटेशन जनरली खराब ही थी। और इसीलिए रोमल की सिर्फ अपने जर्मनी में ही नहीं बट ब्रिटिश और अमेरिकन खेमे में भी रोमल की बहुत ज्यादा इज्जत थी, और इसीलिए उसको डेजर्ट फॉक्स कहते थे। ये पूरा मिशन प्लान किया गया था ऑपरेशन क्रूसेडर के पहले, ताकि रोमल को हटा दें और फिर ऑपरेशन क्रूसेडर फुल एकदम फोर्स के साथ लॉन्च करेंगे। हालांकि रोमल को मार नहीं पाए, फिर ऑपरेशन क्रूसेडर को लॉन्च किया गया, और वहां पे जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टोब्रुक में जो जर्मन सीज है, उस सीज को ऑपरेशन क्रूसेडर ने तोड़ दिया था। तो इस
पार्ट में वो लोग सक्सेसफुल हुए, बट क्योंकि रोमल वहां पे था इसलिए जितना उन्होंने सोचा था उतनी सक्सेस उनको मिली नहीं। और ऑपरेशन क्रूसेडर का जो सक्सेस है वो भी डिबेटेड है। टोब्रुक में उन्होंने जर्मन सीज को तोड़ा, बट जो जनरल उनका एडवांस था, जो आगे बढ़ने का उन्होंने सोचा था कि चर्चिल ने सोचा था कि एकदम पीछे धकेल देगा रोमल को, वो कुछ भी वैसा नहीं हो पाया, इसलिए क्रूसेडर भी बहुत मिक्स्ड रिजल्ट्स के साथ खत्म हुआ। ये तो थी 1941 में जो रोमल पे अटैक किया गया था उसकी बात, बट इसके बाद भी रोमल पे एक बार उसको किडनैप करने का प्लान बनाया गया था और वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो अल्टीमेटली द डेजर्ट फॉक्स कभी भी कैप्चर नहीं किया गया और कभी भी उसको दुश्मन मार नहीं पाया। उसकी जिस तरह से मृत्यु हुई थी उसकी एक अलग ही कहानी है, जिसके बारे में एक अलग सी वीडियो में बात करूंगा। पर इसीलिए डेजर्ट फॉक्स का जो लेजेंड है वो इतना बड़ा बन गया है कि ना सिर्फ एक कमाल के कमांडर थे वो, बट एक अच्छे इंसान भी थे। एज अ मिलिट्री जनरल ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज एनिमीज। रोमल का और पूरे एक्सिस फोर्सेस का जो अफ्रीका में जो कैंपेन था उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और रोमल के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, स्पेशली अफ्रीकन कैंपेन में क्या धूम मचाई थी रोमल ने, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।